बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। द WF न्यूज आपको खबर दे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं GST और PST की खबर के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग के जो मैंने कमेंट्स देखे हमारी जो लास्ट वीडियो है, हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी तो उस पर जो है हमने आप लोगों के कमेंट्स देखे तो काफ़ी हमें अच्छा लगा कि जो है आप लोग अभी तक हमारे साथ हैं। और दूसरे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। तो यहाँ पर जो है मैं एक भाई का कमेंट करके जो है कमेंट पढ़कर जो है आप लोगों को बताऊँगा कि उन्होंने जो है क्या कहा। उन्होंने कहा, जनाब CM मुराद अली शाह साहब एंड सरदार अली शाह साहब, आपसे हाथ बांध के अपील और रिक्वेस्ट है कि रिमेनिंग सीट्स, मतलब रिमेनिंग जो सीट्स हैं, इन बच्चियों के 40 से अबव यानी कि 47, 48 और 49 मार्क्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उनका हक है, इंसाफ की तकाजा भी यही है जनाब। मतलब इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त बात की। और मतलब देखें, अगर जो चीज़ दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे भाई जो कह रहे हैं हमें कमेंट पर, लास्ट वीडियो पर जो हमें कमेंट कर रहे हैं कि अब तो जो है सब कुछ फाइनल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताऊं जो हमारी पीछे जो सीटें हैं ना बकाया, मतलब जिन जेएसटी पीएसटी के उम्मीदवारों ने टेस्ट क्लियर किया, टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है जो 40% पॉलिसी के लिए जो अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, तो वो जो बकाया सीटें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। और अब हम जो है यही एहतजाज करेंगे, आज से हमारे चैनल पर जो है यही प्रोटेस्ट किया जाएगा कि जो है मतलब जो लास्ट सीटें बची हैं, यानी कि बिल्कुल जो बहुत सारी सीटें हैं, आप लोगों से मैंने हमारी कुछ हफ्ते पहले वीडियोस में शेयर भी किया था कि जो है कितनी सीटें बची हैं और कितनी नहीं बची ना, तो ये मैंने शेयर किया था। तो इंशाल्लाह जो सीटें बची हैं अब हम उसके लिए जो है प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम 40% पॉलिसी करवाएंगे। और जितनी भी हमारी जेएसटी पीएसटी की कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, इनको जो है हम इंशाल्लाह 40% पर जो है ये सीट दिलवाएंगे। क्योंकि अब जो सिलेक्ट हो गए हैं वो हो गए हैं, उनकी मतलब जॉब भी लग जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक को जो है मतलब जो मंजूर था वो हो गया। और दूसरा ये आपको बताऊँ कि अब लेकिन अभी हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी है। वो इसलिए नहीं हारनी है हिम्मत क्योंकि जो पीछे बकाया सीटें हैं उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। और हम सरदार अली शाह साहब और मुराद अली शाह साहब से अपील भी करेंगे कि जो है हमें 40% पर जो है पास किया जाए, जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो हमें दी जाए क्योंकि हमने 40% क्राइटेरिया में हम पूरे उतरे हैं। आपने जो है पहले 40% क्राइटेरिया का कहा था लेकिन आप जो है अपने क्राइटेरिया पर नहीं उतरे, आपने जो है फ़ौरन से उस पॉलिसी को चेंज कर दिया। लेकिन हम जो है अब ये चाहते हैं जो बकाया पीछे जितनी भी सीटें बची हैं सब में जो है 40% पॉलिसी की जाए ताकि हमारे जितने भी जेएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स हैं और गर्ल्स और बॉयज़ हैं, इन सबको जो है 40% पर सीट मिले। तो अगर आप मेरे साथ हैं और अगर आप मेरे साथ मिलकर जो है प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरे चैनल पर और इस वीडियो के कमेंट में जो है आप मुझे बताएंगे कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि 40% पॉलिसी की जाए और जो रिमेनिंग सीट हैं वो हमें दी जाए, तो इंशाल्लाह मेरी जो है आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ मिलकर जितने भी हमारे जेएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स हैं और उसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मिलकर जो है प्रोटेस्ट करूँगा। और अगर मेरे पास कमेंट नहीं आते कि मतलब लोग हिम्मत हार जाते हैं, तो फिर जो है मैं समझता हूँ कि मैं जेएसटी पीएसटी के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होऊंगा। क्योंकि जब आप लोग हिम्मत हार जाएंगे, जब एक पूरी टीम ही टूट जाएगी, तो मतलब कैसे चलेगा ये। मैं समझता हूँ कि ऐसे चल ही नहीं सकता ना जब तक पूरी टीम साथ ना हो। क्योंकि जब आप मेरे साथ होंगे, जितने भी जेएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, आप मेरे साथ होंगे, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो है 40% पॉलिसी करवाएंगे और ज़रूर करवाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा ये कि बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिएगा। और वीडियो को किस तरह शेयर करना है मैं दोबारा से बता देता हूँ प्रोसीजर। वीडियो को आप इस तरह शेयर करेंगे, शेयर पर जाके वहाँ पे कॉपी जो है लिंक करिएगा। लिंक को कॉपी करने के बाद अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास और उसके अलावा जितने भी आपके
दोस्त अहबाब हैं उनको जो है आप वो लिंक भेजें और कहें कि इस पर जो है कमेंट्स करें और 40% पॉलिसी का जो है कमेंट करें कि हाँ जो है हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और जितनी भी रिमेनिंग सीट्स हैं वो जो है मतलब जेएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगी जो पूरे 40% क्राइटेरिया में उतरे हैं। तो आप लोग जो है अगर मेरे साथ हैं तो ऐसा काम करिएगा, वीडियो को शेयर करवाइएगा, उस पर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों के कमेंट्स हम नहीं देखेंगे, तो अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते ना तो फिर हमारा भी दिल टूट जाएगा कि यार हमारे जितने भी जे एस टी पी एस टी के कैंडिडेट्स हैं उन सब ने जो है हार मान ली है, वो सब हार गए हैं। तो काइंडली मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि देखें मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना माशाल्लाह से, वो माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं और काफ़ी मतलब जो है समझ लें कि मेरे लिए बेस्ट है ना, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मतलब दिल से खुशी होती है इंसान को जब आप लोग कमेंट्स करते हैं कि यार 40% मतलब मैं अकेला आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ ना, मैं अकेला प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ माशाल्लाह से, आप सब जो है मेरे साथ हैं और मतलब आप सारे जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जेएसटी पीएसटी के कैंडिडेट्स हैं माशाल्लाह से सब मेरे साथ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप भी अगर अब भी मेरे साथ हैं जो रिमेनिंग सीटें हैं उसमें जो है हम 40% पॉलिसी पर जो है पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, हम जो है वो करवा कर रहेंगे। अगर आप लोग भी मेरे साथ हैं तो कमेंट करिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के जो है कमेंट का इंतज़ार होगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट का कि आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं, या फिर आप लोगों का दिल टूट गया है। लेकिन मुझे जो है अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो रिमेनिंग सीटें हैं वो उन्हीं को मिलेंगी जो 40% क्राइटेरिया में पूरा उतरे हैं, इंशाल्लाह 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 उनको ही मिलेगी। मैं समझ लें कि ये मेरी मैं उम्मीद है, मुझे ना अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, अगर आप हार मान गए तो समझ लें कि फिर सब कुछ ख़त्म। अगर आप हार नहीं मानेंगे, देखें एक जो है ना मिसाल तौर पे मैं आपको एक यहाँ पर स्टोरी बताऊँ छोटी सी, कि मिसाल तौर पे आपकी ज़िंदगी जो है ना क्रिकेट की तरह है, आप जो है खड़े हुए हो, एक बॉल आई मिस हो गई, दूसरी बॉल आई मिस हो गई, तीसरी बॉल आई मिस हो गई, चौथी बॉल आई मिस हो गई, पांचवी बॉल आई मिस हो गई, लेकिन जब छठी बॉल आई आपने उठा के मार दिया छक्का, यानी कि जो पिछली 5 बॉलें थी उनकी भी कसर आपने कब पूरी की, छठी बॉल में। तो ऐसे ही जो है हमारी ज़िंदगी में भी होता है, लेकिन बस जो है ना हम हार जल्दी मान जाते हैं। तो मेरी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हार नहीं माननी है आप लोगों को और मेरा साथ दें, इंशाल्लाह हम मिलकर जो है 40% पॉलिसी करवाएंगे और इंशाल्लाह 40% पॉलिसी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपसे मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जब तक